अरे नीरज बेटा, कितना समय लगाओगे? ट्रेन आने का वक्त हो गया, जल्दी करो। ओफो बाबूजी, आप भी ना, ट्रेन आने में पूरे 3 घंटे बाकी हैं। आपको पता है घर से स्टेशन का रास्ता सिर्फ 15 मिनट का है। आप बेफिक्र रहिए, हम ट्रेन आने से बहुत पहले ही पहुंच जाएंगे। जानता हूं मैं, जानता हूं बेटा, लेकिन आंखें तरस गई हैं उसको देखने के लिए। अब तो लगता है बस उस जल्दी से जल्दी सामने आ जाए। हम मानते हैं बाबूजी, पर ट्रेन तो अपने टाइम से ही आएगी ना, आप धीरज रखिए। धीरज तो बेटा अब उसे देखकर ही मिल पाएगा, पर जानता है वो हमारे ही कारण इतनी दूर अनजान शहर में रह रही है। आप अच्छे से जानते हैं ये शराब आपको मौत के मुंह में ले जाकर ही दम लेगी। आप क्यों नहीं समझते हैं बाबूजी, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? बाबूजी, बाबूजी, अब आप फिर से गुमसुम मत हो जाइएगा, समझे? बेटा बस वो तो यूं ही कुछ याद करके मन भर आया, पर हाँ, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो। माँ जिंदा होती तो दुनिया भर के व्यंजन बनाने में जुट जाती। आपको पता है बाबूजी, गौरी के आने की खुशी में हर घर में कुछ ना कुछ व्यंजन बन रहे हैं, लेकिन हाँ, माँ अकेले इतने सारे पकवान नहीं बना पाती। हाँ, तू अभी भी बाज नहीं आया। चल, देरी हो रही है। चलिए बाबू, चलिए। झूठ कहें तो कहूँ, पहुंच तो गए हम लोग कमला। फिर से वही मिर्जापुर का धूल और मिट्टी। भाभी, कितनी अच्छी खुशबू है ना मिर्जापुर की, ये ताजी ताजी हवा, यही तो कितने टाइम से मिस कर रहे थे हम। गौरी, हमको ना तुम्हारी बात कभी कभी समझ में नहीं आती है। कहाँ वो मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतें, कहाँ ये छोटा सा शहर मिर्जापुर। ठीक भाभी, इसी छोटे शहर ने ना हमें बड़े बड़े सपने दिखाए, बस उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें खुद से दूर कर दिया। हाँ, तो पहुंच गई ना मिर्जापुर। गौरी, गौरी बिटिया, गौरी बिटिया। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बाबूजी। गौरी, गौरी, गौरी बिटिया। अरे कितने दुबला गई हो तुम। क्या बाबूजी, आप भी ना। अब चलें बेटा, चलें। छोटू भैया, जरा सामान ले जाओ। कमला रानी, कैसी हो तुम? ठीक ही है। कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए कमला रानी, लेकिन तुम्हारा अंदाज बिल्कुल बम्बैया हो गया है, एकदम टिप टॉप। झूठ कहें तो कहूँ, ले आए हैं तुम्हारे लिए भी वहाँ के माल से बूसर, और लेना तुम भी अच्छे कपड़े। अच्छा कमला रानी, क्या बात है, अब चले। जरूर पहनेंगे। हाँ चलो ना। तुम्हें पता है आज गौरी बिटिया आने वाली है। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, ये बात तो हमको अभी गुडवा ने भी बताई। अरे वाह, फिर तो श्रीवास्तव जी के यहाँ चलते हैं गौरी के स्वागत के लिए। हाँ भाई, आखिर गौरी पूरे मिर्जापुर की शान है। बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो चलते हैं। चलो। अरे सुधा सुनो। हाँ? दही बड़े और गुजिया बोल दिया मैं सबको बनाने के लिए। अरे हाँ भौजी, बोल दिया। अरे पड़ोस में सारे घरों में बोल दिया गया, तो कोई कचौड़ी बना रहा है, कोई जलेबी बना रहा है, और किसी को तो रबड़ी बनाने का भी जिम्मा दे दिया है। बहुत बढ़िया बात है। हाँ बिटिया। अरे वाह, हाँ, ऐसे कैसे? अच्छा अच्छा, माफ करना। हाँ नहीं तो, इतने दिन बाद हमारी बिटिया आई है और ऐसे ही घुसा लिए चले आ रहे हो।
कमला बहुरिया दिखाई नहीं दे रही है। जीती रवि इतने दिन बाद तो हमारी बिटिया आई है। पहले आरती उतारेंगे उसके बाद नजर उतारेंगे। पता नहीं कौन कौन राहु केतु संगे आ गए हैं। आओ बिटिया चले आ जाओ। अच्छा श्रीवास्तव जी अब हम चलते हैं, आप गौरी बिटिया के साथ थोड़ा समय बिता लीजिए। जी नमस्ते चाचा। नमस्ते भैया।